हेलो दोस्तों, मैं अनु सिंह आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और क्रिस्पी ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि है पालक पनीर का चीला। ये देखिए, इसकी आवाज़ से ही पता चल रहा है कि ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है। दोस्तों, इस चीले में पालक पनीर होने के कारण ये हेल्दी तो है ही है, साथ ही साथ ये वेट लूज में भी हेल्प करता है, और जिन लोगों को वीट एलर्जी होती है उनके लिए तो ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। तो चलिए, देर ना करते हुए जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। पालक पनीर का चीला बनाने के लिए हम लेंगे 100 ग्राम पालक, 1 कप बेसन, 3 बड़े चम्मच दही, 4 से 5 कलियां लहसुन की, 2 हरी मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का और नमक स्वाद अनुसार। इसकी स्टफिंग तैयार करने के लिए यहाँ मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है, 1 छोटे प्याज को बारीक बारीक काट लिया है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून चाट मसाला लिया है। अब सबसे पहले हम पालक को अच्छे से साफ करके धो लेंगे। उसके बाद एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें जो पालक है उसको डाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन, हरी मिर्च, हरी मिर्च को मैंने यहाँ पर कट करके डाला है इसके अंदर, और अदरक, अदरक को भी मैंने यहाँ पे कद्दूकस करके तब डाला है। कद्दूकस करने से क्या होता है, जो अदरक होता है वो इजीली पिस जाता है, नहीं तो कई बार वो पिसने में प्रॉब्लम करता है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको पीस लेंगे। यहाँ मैंने लगभग 1/4 कप पानी इसके अंदर डाला है। अब देखिए, जो पालक है वो पीस के तैयार हो गया है। अब हम इसे एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारा का सारा जो पालक है उसको बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। पालक को बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम इसके अंदर जो बेसन है वो मिला लेंगे, और साथ ही साथ दही और थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालिएगा, अभी हमें स्टफिंग में भी नमक डालना है तो इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा ही नमक डालेंगे, और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इसका बैटर तैयार करेंगे। अभी इसी स्टेज पर हमें इसमें पानी नहीं मिलाना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये लंप फ्री हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी लंप नहीं रहे हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला लेंगे। ये मैंने मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डालकर तब इसके अंदर डाला है, ताकि जो पालक रह गया था मिक्सी के जार के अंदर वो भी इसमें मिक्स हो जाए। अब देखिए, अब हम इसकी कंसिस्टेंसी है वो उसको एडजस्ट करेंगे। इसके लिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी। यहाँ एक बात और शेयर करना चाहूँगी मैं, कि इसमें जो मैंने ये दही मिलाई है, इससे ये चीला बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है, और साथ ही साथ जो पालक में एक खारापन होता है उसको भी ये बैलेंस करता है। अब देखिए, जो बैटर है हमारा वो बन के तैयार हो गया है। लगभग 1/4 कप पानी मैंने इसके अंदर मिलाया है। आप देख सकते हैं जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, पोरिंग कंसिस्टेंसी है इसकी। अब हम इसको एक साइड में रख देंगे और जो स्टफिंग है उसको तैयार करेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए अब हम सबसे पहले जो पनीर है उसको कद्दूकस की मदद से कद्दूकस कर लेंगे। ये अब हमारा जो पनीर है वो कद्दूकस हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर जो हमने बारीक बारीक प्याज काट के रखी हुई थी वो मिला देंगे, और साथ ही साथ गरम मसाला और चाट मसाला और नमक स्वाद के अनुसार। हम पहले भी बैटर के अंदर नमक डाल चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा ही नमक और डालेंगे, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, मैंने इसलिए नहीं डाली है क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो बैटर है उसके अंदर हरी मिर्च मिला रखी है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च और मिला सकते हैं। अब देखिए, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमारी स्टफिंग है वो भी तैयार हो गई है। अब हम इसको एक साइड में रख देंगे और जो चीला है वो बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए यहाँ मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है और उसको हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है। इसके गर्म होने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और ब्रश से इसको चारों तरफ फैला देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी पानी की छींटे देंगे और एक टिश्यू पेपर की मदद से इसको साफ कर लेंगे। जिस तरह से हम डोसा बनाने के लिए तवा तैयार करते हैं, हमें ठीक उसी तरह से इसका तवा तैयार करना है, ताकि जो हीट है वो सब तरफ एक जैसी हो जाए। अब देखिए, जो तवा है हमारा वो रेडी हो गया है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसके ऊपर बैटर डालेंगे। लगभग 2 बड़े चम्मच मैंने बैटर इसके ऊपर डाला है। बैटर को हम बिल्कुल बीचों बीच डालेंगे, और फिर जिस तरह से हम डोसा बनाते हैं ठीक उसी तरह से इस बैटर को फैलाएंगे। इस बैटर को हम हल्के हाथ से अंदर से बाहर की तरफ ले जाते हुए फैलाएंगे। ये देखिए, इस तरह से बैटर फैलाने के बाद अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको सिकने देंगे। इस चीले को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है।
अब देखिए चीलों को सीखते हुए लगभग एक मिनट हो गया है। इसकी ऊपरी सतह बिल्कुल ड्राई हो गई है, हाथों पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। अब इस स्टेज पर हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। आप चाहे तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ करा है। जो भी आपको पसंद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए पालक पनीर की चीले को सीखते हुए लगभग दो मिनट हो चुके हैं, ये काफ़ी सीख चुका है। आप देख सकते हैं लाइट ब्राउन कलर का दिख रहा है ये नीचे से। अब इस स्टेज पर हम इसके चारों तरफ थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे ताकि ये इजीली पलट जाए और बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हो। अब देखिए इस चीले को पकते हुए लगभग तीन मिनट हो चुका है, ये काफ़ी सीख चुका है, गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है ये नीचे से। अब हम स्पैचुला की मदद से इस तरह से इसको तवे से अलग कर लेंगे और इसको पलट देंगे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया इधर से भी इसका। अब हम दूसरी तरफ से भी इसको सेक लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल और लगा लेंगे और इसको दोबारा से सेक लेंगे ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हो। अब दूसरी तरफ पलटने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और जो स्टफिंग है उसको चीले के सेंटर में रख देंगे। स्टफिंग को हमें चीले के सेंटर में ही रखना है, किनारों पर नहीं रखना, नहीं तो जिस टाइम हम चीले को फोल्ड करेंगे स्टफिंग जो है वो बाहर निकल जाएगी, तो इसलिए इस स्टफिंग को बिल्कुल सेंटर में ही रखेंगे। आप चाहें तो इस स्टफिंग में थोड़ा सा टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, वो भी इसमें काफ़ी अच्छा लगता है और बच्चों को तो वो बहुत ही पसंद आएगा। अब देखिए जो स्टफिंग है वो अच्छे से सेंटर में फैल गई है। अब हम इस चीले को उसी तरह से फोल्ड कर लेंगे जिस तरह से हम डोसे को फोल्ड करते हैं। अब देखिए जो चीला है वो बनके तैयार हो गया है, बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हुआ है। आप यकीन मानिए कि बड़ों को तो ये पसंद आएगा ही और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है। ये देखिए इसकी आवाज़ से ही पता लग रहा है कि ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना हुआ है। अब मैं इसको कट करके भी दिखा देती हूँ कि ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही यमी बनके तैयार हुआ है। ये देखिए स्टफिंग चारों तरफ बहुत अच्छे से फैली हुई है और बहुत ही यमी बनके तैयार हुआ है। अब हम बाकी के चीले भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इस बैटर से हम लगभग 4 से 5 चीले आराम से तैयार कर सकते हैं। ये एक बहुत ही हेल्दी नाश्ता है और जिन लोगों को हीट एलर्जी होती है उनके लिए तो ये एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। तो दोस्तों हमारे बहुत ही यमी टेस्टी और क्रिस्पी चीले बनके तैयार हो गए हैं। आपको ये कैसे लगे ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो दोस्तों एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।